ध्यान रखें और दूसरे व्यक्तियों को भी संक्रमित होने से बचाएं, घर से बाहर नहीं निकलें। सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 से 12 बजे तक राशन की दुकानें खुली रही। इस दौरान दुकानों पर लोग सतर्कता के साथ सामान खरीदते दिखे। राशन की दुकानें अलग अलग स्थानों पर होने से लोगों की भीड़ नहीं बढ़ी। दूसरी ओर सब्जी मंडी में 3 घंटे की रियायत दी गई थी सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ सब्जी खरीदने के लिए उमड़ी। रोज 20 रुपये किलो मिलने वाला आलू 30 रुपये किलो बिका तो 20 रुपये में ही मिलने वाले टमाटर और गोभी 40 रुपये किलो बिके। जनता का कहना था कि सब्जी मंडी तो खुली लेकिन महंगाई बढ़ गई है, इस पर भी प्रशासन को नियंत्रण करना चाहिए। वहीं एक साथ बड़ी संख्या में लोगों ने सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने के लिए आए तो धारा 144 के नियमों का पालन नहीं हो पाया। वहीं कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन की मेहनत पर भी सवाल उठने लगे तो प्रशासन भी अब इस मामले में सख्त होता नजर आया है। उपखंड अधिकारी रतन कुमार स्वामी ने बताया कि बुधवार को सब्जी मंडी बंद रहेगी। उपखंड अधिकारी ने बताया कि अलग अलग वार्डों में ठेले सब्जी लेकर जाएं, इस व्यवस्था पर अमल किया जा रहा है ताकि लोगों की भीड़ एक जगह न हो और न ही लोग समूह बनाकर गाँव से निकले। वहीं दोपहर 12 बजे बाद पुलिस लॉकडाउन के प्रति और सख्त हो गई। SP सीताराम महेश ने बताया कि लॉकडाउन के पालन के लिए पुलिस घरों से लोगों के बाहर नहीं निकलने की अपील माइक के जरिए कर रही है। दूसरी ओर RAC के 15 जवान, 20 जवान होमगार्ड्स के भी तैनात किए गए हैं। मोहल्लों में स्थित दुकानों को बंद करवाने के लिए भी पुलिस बाइक्स पर मुस्तैद नजर आई। ASP सीताराम माइच ने बताया है कि लोग अपने घरों में इसलिए रहें क्योंकि यहां पर लोग इटली से वापस आए हैं। यहाँ के लोग इटली काफ़ी संख्या में रहते हैं जो वर्तमान समय में आइसोलेशन पर चल रहे हैं। ऐसे में अगर लोग बेवजह घर से बाहर पाए जाते हैं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस और प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करें। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़। निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है। जो टमाटर 20 रुपये किलो मिल रहे थे वो आज 40 रुपये किलो है। आलू 20 रुपये किलो मिल रहे थे वो 30 रुपये किलो है। सब्जियां महंगी हो रही है और देखा ये भी जा रहा है कि लोग लापरवाह हो रहे हैं। जैसे मैं आज 22 तारीख के बाद आज मंडी में सब्जी लेने के लिए आया हूं और मैंने रास्ते में देखा है लोग बेवजह इधर उधर ग्रुपों में झुंड के रूप में डोल रहे हैं। मेरे ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है। हमें राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की जो एडवाइजरी है उसका पालन करना चाहिए। कोरोना वायरस से पूरा ब्रह्मांड मतलब पूरी धरती इससे व्याकुल हो रही है। ये ऐसा असाध्य रोग है जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं है। इसमें बचाव ही इसका उपाय है और सुजानगढ़ में मेरे ख्याल से लोग काफ़ी लापरवाह हो रहे हैं और मेरे ख्याल से प्रशासन को यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ेगा क्योंकि जनता कर्फ्यू का लोग पालन 22 तारीख को तो जरूर इसका पालन हुआ था लेकिन उसके बाद लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है। आप मोहल्लों में जाइए, बस्तियों में जाइए, बाजार में जाइए, लोग आपको झुंड के रूप में ग्रुपों में मोटरसाइकिलों पर ऐसे डोलते मिलेंगे जो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ये महामारी को बढ़ाने का काम करने वाला एक कदम है हमारा जो लापरवाही कहूँगा मैं। सरकार को इस बारे में सख्त कदम उठाने चाहिए। महंगाई बढ़ी है, खाद्य जो सामग्री की जो वस्तुएं हैं उनकी रेट से यहाँ पर बढ़ गई है। मैं सभी जो विक्रेतागण हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोई भारत के अंदर कोई उत्सव या त्यौहार का माहौल नहीं है। ये हमारे लिए सब देशवासियों के लिए एक संकट का समय है। सबको हमको डटकर इसका सामना करना है, सबका सहयोग होना ज़रूरी है। जो व्यवस्थित जो यहाँ पर रेटें हैं माल्स की वो ही ली जाएँ और सबकी मजबूरियों को समझा जाए। और जो यहाँ पर कोरोना वायरस की जो बात आप कर रहे हो इसके बारे में बता रहे हो, लोगों को जागरूकता है इसमें लानी जरूरी, सरकार को और सख्त। मैं तो कहता हूँ कि पंजाब की तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कर्फ्यू यहाँ पर भी लगा देना चाहिए। लोग झुंड के साथ मोहल्लों में फिर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं एकदम पूरी तरीके से।